फ्रेंड्स, अगर आप 50 रुपये का कैशबैक पाना चाहते हैं तो नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके फोरपन एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें और 50 रुपये का कैशबैक अपने पेटीएम अकाउंट में ले सकते हैं, अपना रिचार्ज वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं RRP ELP टेक्नीशियन या जूनियर इंजीनियर के वेरियस पोस्ट वाले छात्रों के लिए ज्वाइनिंग से रिलेटेड बड़ी ऑफिशियल अपडेट निकल कर आ चुकी है। जी हाँ फ्रेंड्स, काफ़ी समय के बाद छात्रों के लिए यहाँ पर ज्वाइनिंग से रिलेटेड अपडेट आए हुए हैं। इसके लिए ऑफिशियल नोटिस भी जारी हो चुका है। टेक्नीशियन एंड जूनियर इंजीनियर के वेरियस पोस्ट वाले छात्रों की ज्वाइनिंग आ चुकी है और उनका ज्वाइनिंग लेटर भी डिस्पैच हो चुका है। इनका फुल शेड्यूल यहां पर ज्वाइनिंग का शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है और 18 अगस्त से इन सभी छात्रों की यहां पर टेक्नीशियन एंड जेई वाले छात्रों की ज्वाइनिंग शुरू होने वाली है। और फ्रेंड्स, एक अपडेट ये भी आ रहा है कि कई छात्रों की फिर से ज्वाइनिंग जो है वो कैंसिल कर दी गई है और जिसके लिए फुल लिस्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और फ्रेंड्स, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें, टेक्निकल हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कल साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि आप सभी को पता है मैं रेलवे की पल पल की अपडेट वीडियो के माध्यम से आपको बताता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, जो फर्स्ट अपडेट आई हुई है वो ईस्ट सेंट्रल रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर आई हुई है। तो मैंने ईस्ट सेंट्रल रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर ली है। धनवाज डिवीजन की पर्सनल ब्रांच की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर आएंगे यहाँ पर तो थोड़ा यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्यालय हाजीपुर से निम्नलिखित नामिका सूची प्राप्त की गई है। तो यहाँ पर ज्वाइनिंग से रिलेटेड छात्रों की अपडेट आई हुई है। छात्रों की जेई इंजीनियरिंग पीवे ट्रैक मेंटेनेंस वाले छात्रों के लिए अपडेट आई हुई है। जेई वाले छात्र जो पीवे के छात्र हैं, इनका जो पैनल आया था 20 मार्च 2020 को जारी किया गया था। टोटल 56 छात्रों का यहां पर जो है पैनल था और फ्रेंड्स, यहां पर आप देख सकते हैं इन छात्रों की ज्वाइनिंग आ चुकी है और इनकी ज्वाइनिंग जो है 18 अगस्त व 19 अगस्त को यहाँ पर होने वाली है। 18 अगस्त से छात्रों की ज्वाइनिंग स्टार्ट होने वाली है। इसमें पीवे के जो छात्र हैं उनको 18 अगस्त और 19 अगस्त को ज्वाइनिंग के लिए बुलाया गया है। इसमें उसके बाद ब्रिज के छात्र हैं, वर्कशॉप के छात्र हैं और यहाँ पर डिजाइन एस्टिमेशन के छात्र हैं, जिनको 20 अगस्त 2020 के लिए बुलाया गया है ज्वाइनिंग के लिए। फ्रेंड्स, इनके ज्वाइनिंग लेटर जो है डिस्पैच कर दिए गए हैं। अगर आप ज्वाइनिंग लेटर की डिटेल जानना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पोस्ट बाय पोस्ट द्वारा छात्रों के ज्वाइनिंग लेटर डिस्पैच किए गए हैं उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर दी हुई है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया और पूरी डिटेल यहाँ देख सकते हैं, नाम कौन से एड्रेस पर भेजा गया है सभी कुछ देख सकते हैं। स्पीड पोस्ट के थ्रू छात्रों को भेज सकते हैं और अपना जो आपका लेटर है, ठीक है, वो डिस्पैच किया गया है, इस नंबर से आप उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। तो छात्रों के यहाँ पर कई छात्रों के हैं, आप देख सकते हैं फुल लिस्ट है यहाँ पर, आप 6 पेजों की लिस्ट है, आप क्लिक करके डाउनलोड इसको कर सकते हैं और देख सकते हैं। और जिन जिन छात्रों का लेटर डिस्पैच हो चुका है प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिएगा, अगली बात मैं यहाँ पर बता दूँ आपको कि टेक्नीशियन इंजीनियरिंग के छात्र हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं 13/3/2020 को उनका पैनल आया था और 12 छात्रों की ज्वाइनिंग है। 25/8/2020 यानी 25 अगस्त को इनकी ज्वाइनिंग होने वाली है। यहाँ से क्लिक करके यहाँ से भी आप टेक्नीशियन वाले छात्रों का देख सकते हैं जो उनके लेटर डिस्पैच हुए हैं उसकी पूरी डिटेल। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने ओपन कर लिया है टेक्नीशियन इंजीनियरिंग का, आप यहाँ देख सकते हैं सभी छात्रों की डिटेल यहाँ दी गई है, इनके ज्वाइनिंग लेटर भी यहाँ पर जो है डिस्पैच कर दिए गए हैं। तो जिन जिन छात्रों के लेटर डिस्पैच हुए हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, जेई सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन वाले छात्र हैं जिनका पैनल 20/3/2020 को आया था, 18 छात्रों को, जिनका ज्वाइनिंग 26 अगस्त को होने वाली है। वहीं पर टेक्नीशियन मैकेनिकल वाले छात्रों की ज्वाइनिंग यहां पर जो 21 छात्रों की है वो 27/8/2020 को होने वाली है। तो कई छात्र यहाँ पर हैं जिनकी ज्वाइनिंग 18 अगस्त से शुरू होने वाली है। वहीं यहाँ पर पैनल में दिया गया है नोट में कि पैनल से संबंधित जानकारी इस नंबर पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। आपको ज्वाइनिंग से रिलेटेड, पैनल से रिलेटेड, ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई भी आवश्यक सूचना हो आप इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। जो अगला अपडेट आया हुआ है फ्रेंड्स, अगला अपडेट जो आया हुआ है वो ईस्ट सेंट्रल रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आया हुआ है, यानी कि जितना भी अपडेट है सभी ईस्ट सेंट्रल रेलवे की वेबसाइट पर है और यहाँ पर मैंने जो है समस्तीपुर डिवीजन की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर ली गई है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कई छात्रों की ज्वाइनिंग कैंसिल हो चुकी है। इंपोर्टेंट नोटिस ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट फ्रॉम RRB पटना, रांची, मुजफ्फरपुर एंड RRC दीघा घाट पटना ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ कोरोना वायरस डेटेड 21/7/2020। इससे पहले भी छात्रों की ज्वाइनिंग यहाँ पर कैंसिल की गई थी 13/7/2020 की डेट में, ठीक है। तो अब फिर से यहाँ पर ज्वाइनिंग छात्रों की कैंसिल की गई है, वो यहाँ पर देख सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करके आपको नोटिस दिखाता हूँ।
तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर लिया। पूर्व मध्य रेलवे समस्तीपुर मंडल आवश्यक सूचना, रेलवे भर्ती बोर्ड मुजफ्फरपुर पटना रांची एवं RRC दीघा घाट पटना के द्वारा चयनित विभिन्न कोटि के अभ्यर्थियों का पैनल जो इस मंडल को प्राप्त हुआ है से संबंधित अद्यतन सूचना निम्नवत है। तो देख सकते हैं यहाँ पर छात्र हैं 01/2018, CA नंबर है, टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल TRD के छात्र हैं 47 कैंडिडेट। उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रिकल TRD PSI के 9 कैंडिडेट हैं, JEE इलेक्ट्रिकल TRD के 4 कैंडिडेट हैं, इलेक्ट्रिकल TRD OHE टेक्नीशियन के 22 कैंडिडेट हैं, टेक्नीशियन सिग्नल के 13 हैं और टेक्नीशियन टेली कम्युनिकेशन के 10 छात्र हैं। तो यहाँ पर रिमार्क्स में दिया गया है, इनकी रीज़न बताई गई है, इतनी रीज़न यहाँ पर देखते हैं जो कि रीज़न इतने छात्रों की बताई गई है 6 नंबर तक की। इसमें देखिएगा, बोला गया है कि उक्त कोटि के अभ्यर्थियों को दिनांक 15/7/2020, 16/7/2020, 17/7 एवं 18/7 को नियुक्ति पूर्व प्रशिक्षण के लिए इस मंडल में रिपोर्ट करने हेतु ऑफर लेटर जारी किया गया था, जिसे COVID-19 के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए स्थगित किया गया है। पुनः रिपोर्टिंग तिथि का निर्धारण होने की इसकी सूचना समस्तीपुर मंडल के अधिकृत वेबसाइट पर दी जाएगी। तो इनकी जो यहाँ पर इनका छात्रों का जितना पोस्टपोन्ड किया गया है, ठीक है, अभी स्थगित किया गया है, उन सभी छात्रों की फिलहाल जब डेट आएगी तो उसके लिए मैं छात्रों की अपडेट इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। अगली है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल TRD ग्रेड 3 फिटर मैकेनिकल के 8 कैंडिडेट हैं, डीजल मैकेनिकल के 22 कैंडिडेट हैं और इलेक्ट्रिकल ट्रेन लाइटिंग के 20 कैंडिडेट हैं, जिनका रिमार्क्स यहां पर दिया हुआ है। उक्त कोटि के अभ्यर्थियों को पुनः दिनांक 18/8/2020, 19/8/2020 को नियुक्ति पूर्व प्रशिक्षण के लिए इस मंडल में रिपोर्ट करने हेतु ऑफर लेटर जारी किया गया है। कृपया संबंधित अभ्यर्थी उक्त निर्धारित तिथि को ही इस मंडल में रिपोर्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, JEE सिग्नल के 7 हैं, टेलीकम्युनिकेशन के 4 हैं, कैरिज एंड बैगन के 36 हैं, JEE मैकेनिकल पावर के 2 कैंडिडेट 3 कैंडिडेट हैं, केमिकल एंड मेटागुलेकर असिस्टेंट के 2 कैंडिडेट हैं, JEE PBA के 52 कैंडिडेट हैं, ब्रिज के 2 हैं और JEE वर्कशॉप के यहाँ पर 5 कैंडिडेट हैं, JEE सिविल डिजाइन ड्राइंग एस्टिमेशन के 1 कैंडिडेट है, टेक्नीशियन वेल्डर का 1 कैंडिडेट है, ब्रिज का 9 कैंडिडेट है, PBA के 6 कैंडिडेट है, मल्टी स्किल्ड फिटर टेक्नीशियन के 4 कैंडिडेट हैं, ALP मैकेनिकल इलेक्ट्रिकली 169 कैंडिडेट हैं, JEE मैकेनिकल पावर के 1 कैंडिडेट है और TM पोर्टर हेल्पर मैकेनिकल लेवल 1 के 43 कैंडिडेट हैं, जिनका यहाँ पर जो है बोला गया है कि उक्त कोटि के अभ्यर्थियों को रिपोर्टिंग तिथि के निर्धारण के संबंध में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। तिथि के निर्धारण होने पर संबंधित अभ्यर्थियों को पत्राचार के पते पर ऑफर लेटर भेजा जाएगा। इसकी सूचना मंडल की अधिकृत वेबसाइट पर की जाएगी और मैं इसकी वीडियो भी आपको बनाकर प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद फ्रेंड्स, यहां पर बोला गया है कि अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, चाहे ज्वाइनिंग, ट्रेनिंग, किसी भी बारे में जानकारी चाहिए, तो इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। आपको ये कॉल करना है दोपहर 1 बजे से लेकर शाम यहाँ पर जो है 3 बजे तक कॉल करना होगा। अगर आप किसी भी जानकारी को पाना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। कोई और दिक्कत प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा।